सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी बट गाइस। और आज की वीडियो में फिर से हम आपको क्रैश गेम खेल के दिखाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। और देखो भाई, बंदे क्या बोलते हैं ना कि भाई बेस्ट टाइम कौन सा है। देखो यार, बेस्ट टाइम डिपेंड ये करता है यार, जब जिस टाइम तुम खेलो ना और उस टाइम तुम्हारा प्रॉफिट हो जाए तो तुम्हें तो वही बेस्ट टाइम लगेगा ना। तो सीधी सी बात यह है भाई, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग भाई बेस्ट टाइम ना इसमें सुबह का टाइम है। देखो जो ना बंदे, देखो आजकल के जो जनरेशन है ना हमारी, भाई देखो सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कोई नहीं उठता है। तो सारे जो बंदे हैं ना, लड़के खेलने वाले जो भी हमारे जैसे बंदे हैं भाई, वो सारे बंदे यही सब चीज़ें खेलते हैं, ऑनलाइन गेम में क्रिकेट विकेट सब, ठीक है। तो वही चीज़ें, सीधी सी बातें, देखो अगर भाई जल्दी उठोगे तो गेम में थोड़ा कम रश होगा, कम एक्टिव मिलेंगे, कम थोड़ा डाउन पड़ेगा और कम थोड़ा बढ़िया भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बंदे भी कम होते हैं। तो ये समझ सकते हो आप, सुबह उठोगे तो ये वही वाली बात है ना, जो जल्दी उठता है वो जल्दी पाता भी है। सुबह उठ के मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, मैं जब सुबह सुबह पहले खेलता था ना तो गेम अच्छा चलता है सुबह सुबह अकॉर्डिंग टू नाइट। और बस ये मजबूरी है ना कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते यार, जब सुबह सोएंगे 3-4 बजे तो भाई सुबह उठेंगे कैसे। मैं तो भाई सुबह आराम से उठता हूँ, 9-10 बजे तक उठ जाता हूँ, और रात में तो मेरा पता ही नहीं होता मैं 6 बजे सोऊंगा या सुबह 7 बजे सोता हूँ। मतलब कि 1-2 घंटे के लिए भी ये समझ लो कि नींद वींद ऐसी आती है बस, ठीक है। तो स्टार्ट किससे करना भाई, मैं स्टार्ट करूँगा 10,000 से, 6 लाख आईडी बैलेंस है, इसको भाई आज कर देंगे 7 लाख। पता कैसे, हाई ऑड्स, सीधा हाई ऑड्स से निकालेंगे भाई, 1.2, 1.3 से नहीं निकालेंगे रो हर बार की तरह, ठीक है। एक बिनिंग अपने कर दी है, 10 के अपने 17 मिले हैं, इसके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, 20 कर देंगे, इसको 30 भी कर देंगे भाई, क्योंकि 10-10 के से बहुत टाइम लग जाएगा, 30-30 से करके दिखाऊंगा। और जो लॉस भी होगा वो सब कुछ दिखाऊंगा भाई मेरे भाई। देखो हिस्ट्री देख लो, अभी सारी हिस्ट्री मैंने दिखा दी है। अब सीधा गेम पर स्टार्ट कर दिया हमने, और यहाँ से हमने इसको कर दिया ये टेक बिनिंग, ठीक है। हमने करा 1.44 से, 30 के हमें मिले 43,000, मतलब 13,200 रुपये का प्रॉफिट हमें इंस्टेंट आ गया। अब देखो भाई, बजट डिपेंड करता है तुम्हारी आईडी में कितना बैलेंस है। अगर आईडी में ज़्यादा बैलेंस है ना तो ज़्यादा अमाउंट से खेलो, अगर आईडी में कम बैलेंस है तो कम अमाउंट से खेलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों को देख के ये मत समझो कि भाई इसका तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, हम भी इतना कर सकते हैं, भाई इतना नहीं कर सकते हो तुम, जितना तुम्हारी बस की है ना उतना ही करो। दूसरों को देख के, दूसरों को जल के ऐसा कुछ मत करो भाई, जितना तुम्हारा बजट है, तुम्हारा जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो, ठीक है। और भाई देखो, मैं गेम को डेली खेलता हूँ, डालता वीडियो नहीं हूँ, क्योंकि भाई वीडियो डालने में ना बड़ा टाइम सा लगता है यार, वीडियो बनाने में बोलने में टाइम बड़ा लगता है, तो वीडियो डालता हूँ मैं 5-6 दिन बाद, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि भाई आप क्रिकेट खेलते हो या क्रैश गेम खेलते हो, भाई मैं क्रैश तो खेलता ही हूँ डेली, मतलब जब मेरा मन करता है तब मैं क्रैश खेलता हूँ, ऐसा नहीं कि बस हाँ कभी टाइम नहीं है तो भाई बिना टाइम के ही बिजी में खेल लिया। लेकिन मैं तभी खेलता हूँ जब मेरे को लगता है हाँ 1 घंटा मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, तब मैं क्रैश गेम खेल लेता हूँ, या मैं जब खेलता हूँ जब मेरे को ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत पैसों की, कि एक्स्ट्रा पैसे जहाँ से। देखो भाई, मेरा सीधा सा फंडा ये है, मेरे को ना खर्चा मैं जो करता हूँ ना एक्स्ट्रा पैसों से करता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब कि अपनी जेब से पैसा नहीं जाता, सारा जो शौक वो मैं फालतू खर्चा करता हूँ ना, दोस्तों पर उड़ाता हूँ, वो सारा मैं गेम से या मैं क्रिकेट से निकाल लेता हूँ। तो इसलिए ही मैं रुको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता हूँ, 40 मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़ा सा हाई ऑड्स निकालेंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए ही ना मज़ा बड़ा आता है मतलब गेम खेलने में, और डर भी तो लग थोड़ा वो डर तो देखो रहता ही है यार, हर चीज़ में डर है भाई, हर चीज़ में रहता है डर, ठीक है। अरे यार टेक भी नहीं कर पाया बोलने के चक्कर में, यही चीज़ होती है जब मैं बोलता हूँ ना गेम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ओ चलो 43,000 लगा दिए हमने इसको, अब हाई ऑड से निकालेंगे, ठीक है। हाई ऑड से कैसे निकालेंगे अब बताता हूँ, अभी 2.20 का ऑड आया था, फिर से हमने लगा दिया है, ठीक है। चांसेस पूरे हैं कि ऑड अच्छा आया, चलो नहीं आया है, फिर से हम लगाएंगे इसको हाई ऑड से कम 3-4 का ऑड तो आ जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ठीक है। और चलो लगाते हैं, अब देखते हैं हाई ऑड आता है नहीं आता है, आ जाना चाहिए वैसे। अरे यार जैसे टेक भी नहीं करने जाता हूँ वैसे ही क्रैश हो जाता है। चलो फिर से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बैटरी मेरी यार 7% है यार, पता नहीं चार्जर मेरा कहाँ गिर गया यार, पता नहीं कहीं गया था, मैं ले आना भूल गया, अब ये कार के उससे चार्ज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टेक भी नहीं, अब देखते हैं हाई आउट कहाँ तक आता है, आएगा भाई 3-4 चालों में आता है। 2 का आउट तो आ ही रहा है, 2 के आउट से नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए थोड़ा हाई आउट। 3 का आउट आया था, मैं करने को तो मैं कर लेता, लेकिन मेरे को चाहिए थोड़ा हाई आउट भाई, ठीक है, हाई आउट चाहिए मेरे को। फिर से अब मैं भाई देखो
अभी तक 2 का ऑर्डर आया है, 3 का ऑर्डर आया है, मतलब 4-5 का ऑर्डर नहीं आ रहा ना। मैं उसी ऑर्डर से निकालने के चक्कर में हूँ और मैं इसलिए ही अपनी बैट को लगाए जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। आप भी लगा सकते हो। और अरे यार, इस पे भी नहीं गया, इस पे भी मैं टेक भी नहीं कर सकता था, लेकिन मौका पूरा था लेकिन करा नहीं भाई मैंने। अब मैं मेरी आया, अब देखो बैलेंस मेरा रह गया 3.64। तो भाई इससे बढ़िया ये है कि अब मैं 3 के ऑर्डर से निकाल लूँ, 4 के ऑर्डर से निकाल लूँ, क्योंकि हर बारी ऑर्ड तो हाई आ रहा है लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूँ यार। ऑर्ड तो हर बारी आ रहा है हाई, देखो फिर से हाई आ रहा है। एक बार अच्छा खासा ऑर्ड से मैं निकालने की सोच रहा हूँ। और ये अपना कितने के ऑर्ड से गया, अपने देखो 4.89 के ऑर्ड से गया भाई। ये देखो अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6 चालों के बाद 10 का ऑर्ड आया है। तो इतना अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना बैकअप आप लेके चलो कि इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ गेम में, ठीक है। मैं इसलिए ही वीडियो बनाता हूँ कि आप समझ सको कि भाई कब तक ही नहीं आएगा हाई ऑर्ड, कब तक नहीं आएगा ये 2 का ऑर्ड, कब तक नहीं आएगा भाई। 2 का ऑर्ड तो देखो आ ही रहा है लगातार, 5वीं 6वीं बार आया है 2 का ऑर्ड। और लोग बोलते हैं मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, भाई प्रॉफिट गेम में बहुत तगड़ा हो रहा है। अब देखो मैंने फिर से 2 के ऑर्ड से निकाला है, सीधा 89 आया और 6,20,000 हो गए हैं। मतलब कि ऑर्ड तो अच्छा खासा आ रहा है, बस थोड़ा सा रिस्क देखो गेम में रहता है। अभी ये सोचोगे कि भाई इसमें 100 रुपये लगा लेता हूँ, जिसमें हाई ऑर्ड आ रहा है उसमें तुमने 100 रुपये लगाए और जिसमें कम पे फट जा रहा है उसमें तुमने हाई इन्वेस्टमेंट करी है, तो ऐसा तो होगा ना। सब में बराबर करो या तो करो ही मत, या तो सब में बराबर करो। इसीलिए देखो मेरी तुमने हमेशा एक आदत देखी, मेरे से हमेशा सीखना, मैं एक ही अमाउंट से बैट करता हूँ हमेशा। देखो क्रिकेट भी खेलता हूँ ना मैं, सीधा मेरा 55 का सीन है, 55 लगाता हूँ, लॉस होता है उसका डबल करता हूँ, लॉस होता है उससे डबल करता हूँ और तीसरी बार में विन हो जाता हूँ। मेरा सीधा सा फंडा ही है, मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि आज इतना लगा दिया, कल इतना लगाऊंगा, परसों इतना लगा दिया, भाई सेम रहता है हमेशा की तरह। आज भी ऐसे ही है, ऐसे ही खेलता हूँ, 5 साल पहले भी ऐसे ही खेलता था भाई, और 5 साल पहले भी यही एटीट्यूड था, 5 साल बाद भी यही एटीट्यूड है और 5 साल बाद भी यही एटीट्यूड रहेगा भाई। सेम हूँ, बस चीज़ों को चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। और इसको हम फिर से, अब देखो भाई पूरा गेम तुमने देखा होगा, मैंने जितनी भी बैट खेली है ना सारी हाई गई हैं, सारी हाई, विद रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, विद रिकॉर्ड कम से कम 15 से 20 चले हाई गई हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:40, ठीक है, और पूरा भी दिखाऊंगा, पूरे 7 लाख हो जाएंगे ना तब दिखाऊंगा आपको कि हाँ पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा कि मैंने कुछ कट तो बट तो नहीं, कि आपको लगता है ना कि कट वट करके डाला है तो एडिट करके डाला है। भाई वीडियो को मैं कहाँ से एडिट कर सकता हूँ, आपको तो समझ में नहीं आता मेरे को, भाई वॉइस से पता लग जाता है कहाँ से वीडियो एडिट हो रही है कहाँ से नहीं हो रही है। बस छोटी छोटी जो क्लिप होती है ना, जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया या कोई हेलो गया, कोई साउंड आ गया, उसको हटाने के लिए मैं वो छोटी सी वीडियो कट करता हूँ, वरना मैं तो नहीं करूँ भाई, मैं क्यों करूँगा कट। अभी देखो हमारी एक बैट लॉस हुई है, एक ही बैट वो अभी तक कम पे फटी है, ठीक है, और मैंने तो हाई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो भाई मेरा 1.5 का सीन तो है नहीं, तो मेरे को तो हाई ऑर्ड से निकालना पड़ेगा। अब देखो लगातार 15 से 20 बार ऊपर 2 के ऑर्ड से आया, अब 2 बारी कम पे फट गया है, 2 बारी 1.49, 1.26 से फट गया। अब देखते हैं कि कब आता है 2 का ऑर्ड या 3 का ऑर्ड, कब आता है, ये चीज़ नोटिस करते हैं इस गेम में। 3 बार फट गई, ठीक है, 3 बार फट गई, और हम ये 4थी बार लगा रहे हैं, देखते हैं 4थी बार आता है, 5वीं बार आता है, 6ठी बार आता है, ठीक है, जिससे कि आपको सब कुछ पता लग जाए कि गेम चलता कैसे है ये वाला, ठीक है। 4थी बार है ये, चौथी बार में आ गया कम से कम हमारा, ठीक है। 3.83 का ऑर्डर आया देखो, और मैंने निकाला 3.59 से। अब मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करता हूँ और पुत रिकॉर्ड दिखाऊंगा पूरा भाई, पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा, अभी जो मैंने क्रैश व्रैश कराया उसमें दिखाऊंगा कितना बार हाई उड़ गया है भाई। बस मौका मिलता रहता है, हम निकालते नहीं हैं, लालच कर देते हैं, लालच करते रहेंगे तो भाई ऐसे नहीं चलेगा ना गेम। 1.49 से निकाला मैंने 43.6, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे तुम हाई ऑर्ड से निकालो, फिर तो लालच हो जाएगी, फिर तुम कम से नहीं निकालोगे भाई। 1.5 से निकालो, कभी 1.6 से निकाल लो, लॉस होना तभी 2 के ऊपर से जाओ। अगर लॉस हो भाई चांस, तुम्हारी बैट लगाई है और लॉस हो गई, कम पे फट गई, तभी 2 के ऊपर जाओ। अब बिना मतलब के लालच के चक्कर में जाते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अब तुम 1,000 के 600 मिले या 1,000 के 1,000 मिले, तो फ़ायदा तो भाई 600 वाले में ना, कम रिस्क है उसमें। अब ये बैट हमारी लॉस हो गई, अब देखते हैं, अभी ये कम पे फटी है देखो, ओ ये फटी है 1.22 पे, अब देखते हैं कि कब आता है 2 का या 3 का ऑर्ड।
टू का आउट तो देखो एकदम से आ गया और 7 लाख हमारे पूरे हुए, ठीक है। अब मैं देखो 1 रुपया भी फालतू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मेरे को पता है अगर मैंने भाई इतना प्रॉफिट सोचा, मैंने 1 लाख सोचा, 1,11,000 मेरे एक्स्ट्रा ही हुए हैं। अब मैं भाई करते ही जाऊँगा, लालच करते जाऊँगा तो सब हार जाऊँगा ना, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है बताने का वीडियो भी। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कहाँ से शुरू किया था। देखो मैंने यहाँ से शुरू किया 1733 से, 10 won 30 won 30 won, ठीक है। फिर हमने यहाँ लगाया, अब देखो आप 1.27 पे ये फटा, 2.2 का आउट आया, 1.7 का आउट आया, 2.25 का आउट आया, 3 का आउट आया, 4 का आउट आया, मैंने नहीं निकाला भाई। फिर आया 10 का आउट भाई, मैंने 4 के आउट से निकाला, फिर 3 का आउट आया, फिर 3 का आउट आया, फिर 2 का आउट आया, फिर 3 का आउट आया, फिर आया 1.26 का, फिर 1.49 का, फिर 1.26 का, फिर 3 का आउट आया, देखो फिर 3 का आउट आया, फिर कम पे फटा, फिर 11 का आउट सीधा। भाई गेम में तुम प्रॉफिट कर सकते हो भाई, हर चीज़ तुम्हारे सामने है, कोई भी फेक फूक काम नहीं है, हर एक प्रूफ तुम्हारे सामने है कि हाई आउट भी जा रहा है भाई, लॉस से ज़्यादा तो हाई जा रहा है, ठीक है। तो भाई हाई आउट से भी खेलने का तरीका बढ़िया रहेगा, आप इसी तरीके से खेल सकते हो, बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना तो मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ, वहाँ पर मेरी यूज़र आईडी लिखी होती है @abhishek0395, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं मैसेज करने का ऑप्शन नहीं है, भाई यूज़र आईडी लिख लो मेरी और मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।